टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम पत्र के अंग जानेंगे। पत्र के अंग सबसे पहला है शीर्षक या आरंभ। हम पत्र को लिखते समय क्या शीर्षक देंगे, कैसे आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। उसके बाद लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है संबोधन का उल्लेख। संबोधन का उल्लेख एक पत्र लेखन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लिखते हैं मान्यवर, महोदय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग करते। अभिवादन शिष्टाचार संबंधी शब्द। जब हम पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्रों में हम बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए हम आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता। लेकिन औपचारिक पत्रों में इनका कोई भी प्रयोग नहीं किया। फोर्थ नंबर है विषय वस्तु। विषय वस्तु में अपने भाव एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। और फिफ्थ है समाप्ति अथवा अंत। समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं धन्यवाद, भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। तथा अनौपचारिक पत्र में हम स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? औपचारिक पत्र हम व्यवसाय करने वाले, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय से संबंधित पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र में क्या आते हैं? व्यक्तिगत पत्र में आते हैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन या कोई भी अन्य प्रियजन को लिखा जाता। सामाजिक पत्र में हम सामाजिक पत्र किसे लिखते हैं? सामाजिक पत्र में आते हैं